गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल टॉक अबाउट अ न्यू टॉपिक दैट इज द फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के जो है फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि ब्लड जो है कौन कौन से जो है स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इससे पहले जो अपन ने ब्लड का जो है कंपोजिशन देखा है मेनली, अब हम बात करते हैं फंक्शंस की, जिसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्लड जो है गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करता है। ब्लड गैसेस को एक्सचेंज किस तरीके से करता है? बिकॉज ब्लड के अंदर जो है क्या पाई जाती है? आरबीसी। लगभग 45% जो है आरबीसी पाई जाती है ब्लड के अंदर, जिनके अंदर जो एक पिगमेंट पाया जाता है, नेम ऑफ दैट पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। नेम ऑफ दैट पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जिससे जो है इजीली ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है, प्लस में CO2 से बाइंड हो जाता है। तो ऑक्सीजन से बाइंड होकर तो क्या बनाता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। और जो है कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होकर क्या बनाता है? ये कार्ब अमीनो। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इट मींस जो है ये लंग्स से ऑक्सीजन को तो लेके जाने का काम करता है और बॉडी के सारे पार्ट्स तक सप्लाई करता है। इसके अलावा CO2 को ये पूरी बॉडी के अंदर से लेके आने का काम करता है। दैट इज दैट फंक्शन इज डन बाय ब्लड and that is known as exchange of gases. It means it is carrying the oxygen and taking out CO2. लेके तो जो है ये ऑक्सीजन को जा रहा है और लेके किसको आ रहा है? ये CO2 को लेके आ रहा है। That property is found all because of hemoglobin. ये property किसकी वजह से पाई जाती है? Hemoglobin की वजह से पाई जाती है। ये pigment, ये ऐसा pigment है जो अपने जो है blood को red color provide करा रहा है। Alright? इसके बाद में we gonna talk about the next property that is the फूड सप्लाई। आपको पता ही होगा कि अपनी बॉडी के अंदर जो है 55% जो है ब्लड के अंदर क्या पाया जा रहा है? प्लाज्मा। बॉडी के अंदर ब्लड पाया जाता है, ब्लड के अंदर 55% क्या पाया जा रहा है? प्लाज्मा पाया जा रहा है। एंड प्लाज्मा इज मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर। प्लाज्मा मेनली किससे मिलकर बना हुआ है? वाटर से मिलकर बना हुआ है। एंड वाटर के अंदर जो है फूड सब्सटेंस या ग्लूकोज जो है इजीली डिसोल्व हो जाता है। ग्लूकोज इजीली डिसोल्व होने की वजह से जो है ये अपने साथ में जो है प्लाज्मा अपने साथ में किसको कैरी करता है? फूड को कैरी करता है। और फूड को कैरी करने के बाद में जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे फूड को पहुँचा देता है। सेकेंड फंक्शन इज फूड सप्लाई डन। इसके बाद में थर्ड बात करते हैं अपन, थर्मोरेगुलेशन। ये जो है बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है उस सिचुएशन के अंदर अपनी बॉडी से स्वेट भी आने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है थर्मोरेगुलेशन के अंदर भी कौन हेल्पफुल होता है? दैट इज ब्लड। ब्लड इज हेल्पफुल इन थर्मोरेगुलेशन। ब्लड इज सप्लाइंग द फूड एंड ब्लड इज हेल्पफुल इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके बाद में बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। ब्लड इज हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। आपको पता होगा कि जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है अपना सब्सटेंस अंदर ही सीक्रेट करती हैं। अब उस सब्सटेंस को जो है पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एंड सब्सटेंस अपने आप से तो सप्लाई होगा नहीं, तो जो भी हार्मोन्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट हो रही हैं, दीज हार्मोन्स विल रीच टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। किसके थ्रू जो है पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएंगे? They will reach to every single part of the body by the help of blood. Okay. इसके बाद में अपन बात करते हैं protection against disease. आपको पता होगा कि blood के अंदर जो है blood corpuscles पाई जा रही हैं, जिसके अंदर एक blood corpuscles है WBC, white blood corpuscles. Okay. White blood corpuscles जो है इनका main function होता है to fight against disease. इनका मेन फंक्शन क्या होता है? टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। ये डिजीज के अगेंस्ट फाइट करती है। अगर WBC डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर रही है, सो वी कैन सी ब्लड इज फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज एंड इट इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डिजीज। ब्लड जो है एक तरीके से डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। ओके इसके बाद में हम बात करते हैं रिपेयर ऑफ इंजरी। जहाँ पे भी जो है चोट लग जाती है, चोट लगने वाले पार्ट के ऊपर भी जो है इंजरी किसकी वजह से, सॉरी रिपेयर ऑफ इंजरी, जो इंजरी हो जाती है वो किसकी वजह से रिपेयर होती है? दैट इज ऑल कॉज ऑफ
प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की वजह से, या फिर वी कैन से अपना जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर ऐसी प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कि ब्लड को बहने नहीं देती है, वहाँ पे जो है एक नेटवर्क बना देती है, ब्लड जो है बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है, दैट इज ऑल डन बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब होता है ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग के अंदर भी जो है प्लाज्मा और प्लेटलेट्स हेल्पफुल होती है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल। एक्सक्रीटरी मटेरियल जस्ट लाइक वी कैन से यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, इसके अलावा जो है नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, ये सारे के सारे जो है मटेरियल किसके अंदर डिजोल्व होके जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं, दे डिजोल्व इन ब्लड, और ब्लड के अंदर भी किसके अंदर डिजोल्व होते हैं, ये प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर भी किसके अंदर डिजोल्व होते हैं, ये वाटर। ओके, वाटर के अंदर इजीली डिजोल्व होके ये जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंच जाते हैं, और मेनली जो है ये कहाँ तक जाते हैं, लीवर के अंदर से, फिर लीवर के अंदर से आते हैं कहाँ पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ये फिल्टर हो जाते हैं और जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकल आते हैं। बट दीज आर फ्लोइंग इन द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहे हैं, ये ब्लड के थ्रू हो रहे हैं। इसके बाद अलावा हम बात करते हैं वाटर बैलेंस। ब्लड जो है वाटर को बैलेंस करने का भी काम करता है, क्यों, बिकॉज वी कैन से ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ वाटर। ब्लड के अंदर जो है 55% लगभग क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, 50 से 55%। अगर ब्लड के अंदर 50 से 55% अगर वाटर पाया जा रहा है, तो एक तरीके से ये वाटर को बैलेंस करने का भी काम कर रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन दैट इज डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। अगर अपनी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज हो रही है, उस डिजीज का पता अपन किसके थ्रू लगाते हैं, ब्लड के थ्रू लगाते हैं, तो डिजीज को बताने का भी काम कर रहा है। सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन विच हेल्पफुल आरबीसी। ओके, गैसेस एक्सचेंज करने के अंदर कौन हेल्पफुल होते हैं, आरबीसी, गैसेस एक्सचेंज इज डन बाय आरबीसी, फूड सप्लाई के अंदर प्लाज्मा। ओके, थर्मोरेगुलेशन के अंदर कंप्लीट ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन के अंदर भी प्लाज्मा, इसके अलावा प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज, इसके अंदर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। ये इंडिविजुअली फंक्शन होते हैं ब्लड के अंदर। ओके, रिपेयरिंग ऑफ इंजरी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, इसके अलावा कॉगुलेशन के अंदर भी प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटीरियल ऑब्वियसली प्लाज्मा, वाटर बैलेंस दैट इज डन बाय प्लाज्मा, एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज दैट इज डन बाय ब्लड कॉर्पसल्स। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं जो ब्लड के थ्रू परफॉर्म होते हैं। अगर इनके अंदर किसी भी प्रकार के कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, बिकॉज बहुत ही बेसिक है जो अपन जो है जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज मेंशन इन द 7th क्लास, वी कैन से मेंशन इन 9th, दिस इज मेंशन इन 10th क्लास एंड 11th ऑल्सो। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड। सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, वो किसके थ्रू परफॉर्म होते हैं, ब्लड के थ्रू परफॉर्म होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।